आधा मिनट बहुत धन्यवाद, नहीं समय समय तय है। माननीय श्रीमती सुलता देव, दो मिनट सर, माइक हाँ माइक इज ऑन, माइक नहीं नहीं माइक ऑन नहीं है सर, इट्स ऑन। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे ये फेयरवेल स्पीच में कुछ बोलने के लिए मौका देने के लिए, मैं तो इसको पहले ये फेयरवेल स्पीच नहीं मान रही हूँ क्योंकि कोई हम में से रिटायर नहीं हो रहा, क्योंकि पॉलिटिकल जो पर्सन से वो अपने लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते। हाँ कुछ इस सदन से चले जाएंगे, कुछ नए आएंगे। हमारे उड़िया में कहावत है, तौड़ो बरोड़ा खसुची, ऊपर बरोड़ा हसुची, मझी बरोड़ा कहुची, मो दिन काल हसुची। इसका मतलब आज जो जा रहे हैं कल को हमारी बारी भी आएगा। मैं ये सदन जो है उच्च सदन, ये पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सुंदरता है, भाषा की सुंदरता है, सारे लोगों की मिली हुई पोशाक की सुंदरता है, सब है। ये मैं और एक बात बोलूँगी कि यहाँ पर कितने 68 मेंबर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, उनमें से 9 मिनिस्टर्स है और 5 मेरे दीदियाँ रिटायर्ड हो रही है, जहाँ जो जया बच्चन जी है, कांता करदम जी है, एमी अग्निक जी है, वंदना चौहान जी है और सोनल मानसिंह जी है। ये पांचों से मैंने पर्सनली, मैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी जुड़ी हुई हूँ और ख़ासकर जया जी, जया दीदी क्या करती है ना, उनका बैग ना पिटारा होता है, कुछ ना कुछ जादू का पिटारा होता है। कभी ऐसा कोई नहीं होगा जो उनके हाथ से चॉकलेट हो, आम पापड़ी हो या कुछ ना खाया हो। हम तो जरूर जरूर धन्यवाद देंगे और एक बात और बोलेंगे कि हमारे ओडिशा से भी 2 सांसद इस बार रिटायर्ड हो रहे हैं, जो दोनों अपने गुण से बहुत बड़े हैं, एक प्रशांत नंदा जी, दूसरे हमारे अमर पटनायक जी। वो दोनों उड़ीसा के बहुत लेजेंडरी है, क्योंकि प्रशांत नंदा जी जो है उनका फिल्म में प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है और उनका सेसस रावण मूवी बहुत सारे लैंग्वेज में बन चुका है, और अमर पटनायक सर जो है वो एजी रह चुके हैं। मैं सारे जो जा रहे हैं, मैं एक ही बात करके बोल के बंद ख़त्म करूँगी कि आपका ये जो है ना, वेद में बोलते हैं चराई बत्ती चराई बत्ती चराई बत्ती, आपका चलना, आपका आगे बढ़ना कभी खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। और एक बात है, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, प्लीज प्लीज सर, एज आई स्टैंड बिफोर यू टुडे सर, रिफ्लेक्टिंग ऑन माय इयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।